हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया उसने जी आपके खून में मेरे खून में फर्क है। भतीजे चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कुछ इस तरह उखड़ गए जैसे मानो उनको किसी ने कुछ गलत कह दिया हो। पशुपति पारस ने चिराग का नाम लिए बगैर यहां तक कह दिया कि उसे हमारा भतीजा क्यों कहते हो। एक बार फिर से सुनिए पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था इसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। इसलिए मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी न्याय की जाँच कराई जाए। चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच आज क्या रिश्ता है ये किसी से छिपा नहीं है। दोनों के बीच संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों ही एक दूसरे का नाम सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। इसकी वानगी पटना में पशुपति कुमार पारस की बैठक के दौरान देखने को मिली। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। इसके बाद जब उनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप भाजपा के साथ हैं लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोकामा में एक सम्मेलन में जाते हैं तो वहां आपके भतीजे के समर्थकों द्वारा हूटिंग की जाती है, इस पर पशुपति पारस भड़क जाते हैं और पत्रकार को डांट लगाते हुए कहते हैं कि उसे हमारा भतीजा क्यों कहते हो। जब उसने बोल दिया कि उसका खून अलग है मेरा अलग, तो वो कैसे मेरा भतीजा होगा, इसलिए आगे से उसका नाम तक नहीं लीजिएगा मेरे पास। बता दें कि इस दौरान एक सवाल के जवाब में पशुपति पारस ने यह भी कहा कि बिहार में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। अरे आपको पता नहीं है बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है, भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन, ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम है, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है, वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग नहीं है 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से, मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में एनडीए गठबंधन के पार्ट है और रहेंगे। गौरतलब है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्तों में उस समय तलखी आ गई थी जब रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने बगावत का झंडा उठा लिया था और उनके बड़े भाई की ओर से स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हो गया था।